देराजा नुकुरक हालक नासीगे निलारखे तंगलिया टीटीएडीसी हापांग बहैनो बुबाग्रा जेतिखे बायथांनि रां 10 लाख रेखा आबायकेनो बीबी महारानी कृति देवी देबरमन बहैनो बिनि एमपी फान्डनि कुटि कायसारनानि कग्रखा खना फायनाय हायनि सायखनारखा बुबाग्रा हास्थायाव फाय आबुबाय बोंया टीटीएडीसी हापांनि इङिनाय आबसर बायबो इङिया तेबो नांमानि बागैनो जुदाखौ ख्लाय टिप्रासा नुकुरक न गोबांखे सेपसाप रनानि इंथुनै जत आटा डिस्ट्रिक्टनि डीएम बाय कक सालायनाय बुबाग्रा आबुनि बागै जत एनबीसी ईएम रग बहैनो जान उन्होंने भी 1 करोड़ देने का प्रॉमिस किया है, जो कल शायद फंड रिलीज करा देंगे डीएम से बात करके। और एम्प्लॉयज़ ने भी अपने तरफ से डोनेट किया है, आज एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज़ ने 51,000 डोनेट किया है। तो हम लोग जैसे भी करके हम लोग अपने लोगों को हेल्प करेंगे। उसके बाद आज हमने सब जोनल्स और सब जोनल्स का मीटिंग रखा और हम लोग कमेटी बना रहे हैं। आज ही कमेटी बनेगा और ये डीएम के ऑफिस के संग कोऑर्डिनेट करके मैक्सिमम बेनिफिट हमारे लोगों को, जो ये फ्लड्स में, ये लैंडस्लाइड में, बारिश में जिनको अफेक्ट हुआ है, सबको हेल्प करने का हम लोग कोशिश करेंगे। यही हमने पूरा किया। बहुत डैमेज हुआ है। टीटीएडीसी ने खुद असेसमेंट किया है कि अभी प्रिलिमिनरी असेसमेंट में हमारे ही टीटीएडीसी का प्रॉपर्टी का कम से कम 190 करोड़ जैसा आसपास का डैमेज हुआ है। इसमें हमने रास्ता को गिना भी नहीं है। तो अगर यही डैमेज है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एक स्पेशल पैकेज करना चाहिए और त्रिपुरा में एक स्पेशल फंड और स्पेशल पैकेज देना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द टीटीएडीसी एरिया बट पूरे त्रिपुरा में देना चाहिए। कुछ लोग का खेत भी बर्बाद हुआ है तो इन लोगों को, हाँ, तो जब मैंने कहा कि बर्बाद हुआ है, जैसे कि बहुत जगह में क्रॉप्स अभी उनका पूरा जो डिपेंडेंसी है किसान का, फार्मर का, वो खेत में है। बहुत लोगों का रबर प्लांटेशन डैमेज हुआ है, बहुत लोगों का एरिका नट का डैमेज हुआ है, सिर्फ फ्लड से नहीं, बारिश से भी हुआ है, लैंडस्लाइड से हुआ है। तो उन सब के लिए हमने बोला है कि ये सब करें। और बोल रहा, कुछ लोग का एक एलिगेशन था, आपने जो डोनेशन मांगा था उसमें कुछ लोग का एलिगेशन है आप बीजेपी के साथ एलियंस है एंड देन नहीं, सीपीएम का एलिगेशन कुछ लोगों का नहीं, आप नाम लेके बोलिए ना। यही सीपीएम ने केरला में रुपया भेजा जब वहाँ में फ्लड हुआ। आज त्रिपुरा के लिए क्यों नहीं पैसा दे रहे? मैंने तो 10 लाख अपने पॉकेट से दिया और भी दूंगा। तो कुछ लोग नहीं, आप नाम लेके बोलिए किसने ये एलिगेशन दिया। सीपीएम ने दिया। सीपीएम का नाम लेने से किसी को डर है? मैं तो ओपनली बोलता हूँ, सीपीएम ने एलिगेशन दिया। सीपीएम का एलिगेशन है कि महाराजा वीर विक्रम बेकार था। सीपीएम का एलिगेशन है कि त्रिपुरा बहुत अच्छा था, त्रिपुरा अमीर थे, 100% लिटरेसी था। अब जब उनका सरकार नहीं तो त्रिपुरा पूरा बर्बाद हो गया। उनके टाइम राम राज्य था, अब नरक राज्य है। सीपीएम का एलिगेशन है। सीपीएम ये बोलेगा? ये बात कांग्रेस भी नहीं बोलेगा, सिर्फ सीपीएम ही ये बात बोलेगा। और कुछ एलिगेशन? हमारे पार्टी से और एक डिसीजन, मैंने 10 लाख दिया है अपने पॉकेट से, वो अलग बात। सब त्रिपुरा मोथा के एमडीसी और एमएलए अपना 1 महीने का सैलरी डोनेट कर रहे हैं ये ऑपरेशन के लिए। और ये हम लोग को किसी ने, हम लोग अपने तरफ से कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ ने भी आज डोनेट किया है एंड हम लोग करेंगे। हमारा कमिटमेंट जाति के लिए है। अपना जाति को अगर हम कुछ दे सकते हैं तो 1 महीना हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इनके घर में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हमारे गरीब लोगों को जिसने हमको आज यहाँ तक लाया है उनकी वहाँ में प्रॉब्लम अगर हम थोड़ा सा कम कर सकते तो हम करेंगे।